फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जयशंकर में। इस वीडियो में ऑल नंबर के टाइप्स हम सीखेंगे। जैसे कि हमने सीख लिया था कि वहां पे ऑल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होता है, अब हम सीखेंगे जैसे प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर क्या होता है, इवन प्राइम कंपोजिट क्या होता है, इवन प्राइम नंबर क्या होता है, इवन कंपोजिट क्या होता है, ऑड प्राइम क्या होता है, ऑड कंपोजिट क्या होता है, फिर आपका को प्राइम क्या होता है, ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है। काफी कंफ्यूजन होता है बच्चों को इस सब चीज में, तो आज इस वीडियो में पूरा ये डिस्कशन करेंगे ताकि आपके पास एक भी डाउट ना हो और काफी इजी वे में आप समझ सकते हैं कि इवन प्राइम नंबर या जो भी सारे नंबर देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्राइम नंबर, प्राइम नंबर अभी अभी प्राइम नंबर जो होगा यहाँ पे, जिसको हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। तो विच नंबर हैज ओनली टू वन, विच नंबर हैज ओनली टू फैक्टर्स, कितने फैक्टर्स हो, टू, ओनली टू फैक्टर्स आर कॉल्ड, आर कॉल्ड प्राइम नंबर। ऐसे ही नंबर जिसके दो फैक्टर्स होते हैं ना, ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। अब थोड़ा सा फैक्टर का कॉन्सेप्ट आ गया तो मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। हिंदी में कहते हैं गुणनखंड, ऐसी संख्या जिसके दो गुणनखंडों फैक्टर होंगे, तो ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर कहेंगे, जिसे हिंदी में अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि एक का फैक्टर सिर्फ एक है, मतलब फैक्टर मतलब वो नंबर किस किस के टेबल में आता है, किस किस से डिविजिबल होता है, वह उस नंबर का फैक्टर कहलाता है। जैसे मैंने बोला टू, टू का फैक्टर क्या होगा, तो जैसे टू किस किस के टेबल में आता है, वन के टेबल में आता है, थ्री किस किस के टेबल में आता है, वन और थ्री के टेबल में आता है, फोर किस किस के टेबल में आता है, वन के टेबल में, टू के टेबल में, फोर, फाइव किस किस के टेबल में आता है, वन के टेबल में, फाइव के टेबल, सिक्स वन के टेबल में आता है, टू के टेबल में आता है, थ्री के टेबल में आता है, सिक्स के, मतलब क्या नंबर ऑफ फैक्टर्स आपको निकालना आ गया। बस अगर ये आ गया तो आपको प्राइम नंबर भी पहचानना बहुत इजी वे में आ गया। तो मैं बोला प्राइम नंबर क्या होता है, जिसके सिर्फ क्या हो, दो फैक्टर, ना दो से कम होने चाहिए ना दो से ज्यादा। तो आप ही बताओ क्या एक प्राइम नंबर होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही फैक्टर है। तो पहला प्राइम नंबर आपका टू, देन थ्री, देन फाइव, देन सेवन, देन इलेवन, देन थर्टीन, तो ये सब आपके क्या कहलेंगे, प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर को आप काउंट नहीं कर सकते। तो ये सारे आपके क्या कहलाएंगे, प्राइम नंबर कहलाएंगे। तो प्राइम नंबर तो आपको समझ में आ गया होगा, जिस नंबर के सिर्फ दो फैक्टर होते हैं उसे क्या होते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। अब यहाँ पे प्राइम नंबर के भी टाइप्स है, प्राइम नंबर के भी आपके टाइप्स है। एक होता है आपका इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर, दूसरा है आपका ऑड प्राइम नंबर, ऑड प्राइम नंबर, तीसरा है आपका ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, और अगला है आपका को प्राइम नंबर। को प्राइम इवन प्राइम नंबर को हिंदी में कहते हैं सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या। इसको सॉरी इसको कहते हैं विषम अभाज्य संख्या। ट्विन प्राइम को कहते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या, इसको कहते हैं सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। अब यहाँ पे बात आती है इवन प्राइम पर, तो ऐसे नंबर जो इवन भी हो और प्राइम भी हो, दोनों की क्वालिटी होनी चाहिए, इवन भी और प्राइम। तो आपका यहाँ पे इवन प्राइम नंबर में से एक लौता, तो भी एक ऐसा नंबर है जो इवन प्राइम नंबर कहलाता है। इसके अलावा
ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जो इवन भी हो और प्राइम भी हो, तो सिर्फ टू, टू ही एक ऐसा नंबर है जो है इवन प्राइम नंबर, तो काफी इजी से समझ में आ गया। सेम ऐसे ऑड प्राइम नंबर, ऐसे नंबर जो ऑड हो और प्राइम, तो दो के अलावा जो भी प्राइम नंबर हो वो सब ऑड प्राइम नंबर है, जैसे 3 हो गया आपका, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, डॉट डॉट डॉट, ये आपके क्या करेंगे ऑड प्राइम नंबर। अब बात आती है ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है, ऐसे दो प्राइम नंबर का पेयर, ऐसे दो प्राइम नंबर का पेयर जिसका बीच का डिफरेंस नॉट हो, याद रखना ट्विन प्राइम नंबर ऐसे दो प्राइम नंबर का होना जरूरी है, वो दोनों ही पेयर प्राइम नंबर का होना जरूरी है, और बीच का अंतर क्या होना चाहिए, दो होगा तभी वो आपका क्या कहलाएगा, ट्विन प्राइम नंबर कहलाएगा। तो यहां पे मैं थोड़ा सा अब बताता हूं, इस स्पेस को सेट करो, ट्विन प्राइम नंबर यहां, ट्विन प्राइम नंबर हिंदी में इसको जुड़वा आवासन में कहते हैं। तो मैंने बोला क्या कि दो नंबर का पेयर होना चाहिए, पेयर ऑफ टू नंबर्स, पेयर ऑफ prime number, which is prime number, then their difference is 2, then their difference is 2, उसका difference है 2 होना चाहिए, pair होना चाहिए 2 number का, जो कि वो आपका prime number हो, और उसका difference ना 2 का होगा, वो number आपके क्या कहलाएंगे, twin prime number, जिसे जुड़वा आवासन कहते हैं। जैसे कि आपका example 3 और 5 आपका ट्विन प्राइम नंबर कहलाएगा, क्योंकि दोनों ही प्राइम नंबर है और बीच का डिफरेंस क्या है, 2। 7 और 9 क्या ये ट्विन प्राइम नंबर होगा, नहीं, क्यों, क्योंकि 7 प्राइम नंबर है बट 9 प्राइम नंबर नहीं है, इसीलिए आपका ट्विन प्राइम नंबर नहीं होगा। इसके अलावा क्या होगा, 5 और 7 क्या ट्विन प्राइम नंबर होगा, होगा, क्योंकि दोनों ही प्राइम नंबर है और डिफरेंस मतलब ग्रेटर से छोटे को माइनस करो, तो ग्रेटर से स्मॉलर को माइनस करो तो 2 आ गया, तो ये आपका ट्विन प्राइम नंबर होगा, और 11 और 13 आपका ट्विन प्राइम नंबर हो गया, देन 17 और 19 आपका ट्विन प्राइम नंबर हो गया। तो ये कभी भी सिंगल नंबर में नहीं होगा ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर हमेशा पेयर में होगा, वो पेयर किसका होना चाहिए, प्राइम नंबर का पेयर होना चाहिए और बीच का डिफरेंस 2 होना चाहिए, वो नंबर आप क्या करेंगे, ट्विन प्राइम नंबर। अब बात आती है को प्राइम नंबर, तो बस को प्राइम नंबर तो काफी इजी है, को प्राइम नंबर वो सारे नंबर इसमें भी आपका पेयर में होगा, बट जरूरी नहीं कि वहां वो प्राइम नंबर हो या कोई सा भी नंबर हो, मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आपका पेयर में हो और एचसीएफ होना चाहिए। सीरीज पर यहां पे एचसीएफ, ऐसे दो नंबर का पेयर एचसीएफ ना 1, एचसीएफ 1 होना चाहिए बस, जिसका एचसीएफ 1 होगा उसे हम को प्राइम नंबर कहेंगे, दो नंबर का पेयर जिसका एचसीएफ 1 होगा ना वो आपका को प्राइम नंबर, और हर कंसेक्यूटिव नंबर, कंसेक्यूटिव नंबर का मतलब होता है क्रमागत संख्या, क्रमागत संख्या का मतलब क्या होता है, लगातार, जैसे मैंने 3 लिया तो 3 के बाद कौन सा नंबर आएगा, 4, तो 3 और 4 आपका को प्राइम नंबर होगा, क्यों, क्योंकि आप इसका एचसीएफ निकालेंगे तो बन आएगा, तो 3 4 हो गया, देन आपका 1 2 हो गया, देन 7 और 9 भी हो गया, है कंसेक्यूटिव नहीं है बट आपका ये एचसीएफ निकालेंगे तो आपका बन आएगा, तो ये आपका को प्राइम नंबर हो गया। तो उम्मीद है काफी अच्छे से यहां तक समझ में आया होगा, और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।